नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल अपडेट विद राजनाथ के एक नए वीडियो में। दोस्तों, अभी बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है। खुशखबरी ये है कि ग्रुप डी का जो एग्जाम डेट है वो उसका नोटिफिकेशन आ गया है। तो अभी हम उस बारे में देखेंगे कि उसका जो नोटिफिकेशन आया है किस साइट पे आया है और कहाँ से आया है, उस बारे में हम पूरे विस्तार से देखेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे साथ बने रहना चाहते हैं, ग्रुप डी के ऐसे ही नोटिफिकेशन और अपडेट के साथ रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल अपडेट विथ राजनाथ को सब्सक्राइब कर लें। आप नीचे में इस वीडियो के नीचे में इस तरह का सब्सक्राइब बटन दिया होगा, वहाँ पे आप क्लिक करके इस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें। और उसके बाद आपको पल पल की जो भी नोटिफिकेशन आते जाएंगे रेलवे बोर्ड के द्वारा, उसे उससे हम आपको अवगत कराते चलेंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्या नोटिस आया है। सबसे पहले अभी ये नोटिफिकेशन जो आया है वो आरआरबी इलाहाबाद के साइट पे आया है, आरआरबी इलाहाबाद पे। और ये अभी 26 तारीख को जस्ट अभी अभी इसका नोटिफिकेशन आया है। नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि इम्पोर्टेंट नोटिस फॉर द कैंडिडेट ऑफ सीईएन 2 2018। देखिए ये लिखा हुआ है 2 2018। जो 1 2018 है वो एएलपी से रिलेटेड है और जो 2 2018 है वो ग्रुप डी से रिलेटेड है। फॉर लेवल वन पोस्ट रिगार्डिंग लाइकली स्टार्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम होगा उसके बारे में कि ये कब होगा उस बारे में बताया गया है। तो चलिए देखते हैं कि ये नोटिफिकेशन है क्या। देखिए यही नोटिस है और ये जो निकला है सीईएन 2 2018 के बारे में, ऑफिशियल नोटिस है, ये फेक न्यूज नहीं है। आप जाके चेक कर सकते हैं वीडियो के देखने के बाद, आप पूरा वीडियो ऐसे ही देखते रहिए। लिखा हुआ है कि द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ लेवल वन पोस्ट इज लाइकली टू स्टार्ट। ये लिखा हुआ देखिए, यहाँ देखिएगा ध्यान से, लाइकली टू स्टार्ट फ्रॉम 17/9/2018। लाइकली टू स्टार्ट मत, इसका मतलब ये होता है कि 17 सितंबर 2018 से संभावित है। आप 99% श्योर रहिए कि जो नोटिफिकेशन निकाला है उसके अनुसार 17/9 को ये एग्जाम लेना शुरू कर देगा। आगे लिखा हुआ है कि द एग्जाम सिटी डेट एंड शिफ्ट, जैसे पहले आया था आपको 20 दिन पहले, तो इसमें 20 दिन पहले नहीं आएगा। ये बोला है कि द एग्जाम सिटी डेट एंड शिफ्ट डिटेल्स शैल बी मेड, ये 10 दिन पहले डिक्लेयर करेगा। पहले इसने 20 बार डिक्लेयर किया था, अब ये 10 दिन पहले डिक्लेयर करेगा कि हम बताएंगे कि 10 दिन पहले इसका डेट क्या होगा। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि डिटेल सीबीटी शेड्यूल शैल बी रिलीज शॉर्टली। इसके बारे में विस्तार से हम जो बताना होगा हम तुरंत ही इसका इसके बारे में विस्तार से हम आपको एक और नोटिफिकेशन देंगे और बताएंगे इस बारे में। इस बारे में लिखा हुआ है कि इंपॉर्टेंट रेफर टू ओनली नो ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आरबी। बोला है कि इस तरह से डेट या कुछ भी जानने के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट को ही रिगार्डिंग करें, आप ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आप विजिट करें, फेक या फर्जी न्यूज पे आप विजिट ना करें। तो आज के लिए बस इतना ही, आप अभी से अपना तैयारी शुरू कर दीजिए। 17/9 से मान के चलिए कि 2 महीने तक एग्जाम लेगा, तो देखिए शिफ्ट और डेट क्या पड़ता है, यानी 7 10 दिन पहले बोला है, यानी 7 तक जनरली आने का चांसेस है कि 7 तक पता चल जाएगा कि लोगों के एग्जाम कब हो रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही, चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए